नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में जंगली कुत्तों ने 1.5 साल की बच्ची को नोच नोच कर मौत के घाट उतार डाला। बच्ची के माता पिता जंगल में स्थित नर्सरी पर बच्ची को एक पेड़ के नीचे सुलाकर सिंचाई करने लग गए। जब माता पिता की नजर बच्ची पर पड़ी तो जंगली कुत्तों का एक झुंड बच्ची को नोचते हुए घसीट रहा था। जब तक जंगली कुत्तों से बच्ची को बचाया जाता तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के परिजनों ने मासूम के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बता दें कि पूरा मामला अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मनोटा का है, जहां किसान रामदास का परिवार रहता है। शुक्रवार की दोपहर वह अपनी पत्नी नीतू और 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची काव्या को लेकर जंगल में स्थित अपनी नर्सरी पर गया था। इस दौरान उन्होंने अपनी 1.5 वर्षीय बच्ची काव्या को नर्सरी में स्थित एक पेड़ के नीचे सुला दिया और दंपति नर्सरी की सिंचाई करने लगे। इस दौरान 4 जंगली कुत्तों ने बच्ची को नोचना शुरू कर दिया। नोचते नोचते कुत्तों का झुंड बच्ची को घसीट कर ले जाने लगा। कुत्तों ने बच्ची के सर व पेट को फाड़ डाला। इस दौरान माता पिता की नजर बच्ची पर पड़ी तो उनके होश फाख्ता हो गए। इस दौरान खेतों पर काम कर रहे ग्रामीण लाठी डंडे लेकर उस ओर दौड़े और बामुश्किल बच्ची को कुत्तों से छुड़ाया, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि मासूम मृतक को 2 बहनों में छोटी थी। वहीं बच्ची की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम जो है नर्सरी में पानी छुड़ाने गए थे और 5-6 कुत्ते आए, उन्होंने हमला कर दिया। कहाँ थी बेटी आपकी? खेत पर थी। ऐसी खेल रही क्या? नहीं, सो रही थी। मड़ैया में या पेड़ के नीचे? किसी पेड़ के नीचे। अच्छा, फिर उन्होंने हमला कर दिया। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।